अपने को ये वाला टेंडर भरना है गढ़चिरौली का, जो ये तालुका में है और ये ग्राम पंचायत में है। इसका ये टेंडर आईडी है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है, ये काम का डिटेल्स है। तो सबसे पहले देखेंगे कोई भी टेंडर का, यहाँ पे टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बोलते हैं, इसमें हम ये टेंडर यदि भरने वाले हैं तो इसके लिए हम एलिजिबल होते हैं क्या नहीं। ये टेंडर भरना है तो 200 रुपया टेंडर फीस है, ईएमडी 5000 है। ईएमडी में एग्जम्पशन नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो भी आपको ईएमडी भरना ही पड़ेगा, इसमें एग्जम्पशन बोल के नहीं है। तो 200 प्लस 5000 मतलब ये टेंडर भरने के लिए 5200 का अपने को अमाउंट रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला ये चेक करेंगे ये अमाउंट आपके पास है कि नहीं। अपने पास यदि आपके पास ये अमाउंट है तो आप आगे का स्टडी चालू करेंगे। यदि आप ये चाहते हो ये टेंडर भरना है और ये अमाउंट आपके पास, सबसे पहला ये अमाउंट रिजर्व होना चाहिए। यदि ये अमाउंट है तो हम लोग देखेंगे आगे के लिए। लास्ट डेट इसका 13 नवंबर है, 13 नवंबर तक हम भर सकते हैं। हम आज भी भर सकते हैं, 6 नवंबर के बाद हम ये टेंडर कभी भी भर सकते हैं, 13 नवंबर तक 5 बजे तक ये टेंडर कभी भी भर सकते हैं। और यदि हमने टेंडर भर भी दिया, अभी पूरा कंप्लीट कर दिया, तो हम कभी भी बाद में ये डॉक्यूमेंट्स बदल सकते हैं और टेंडर का रेट बदल सकते हैं। हमने यदि बीड किया है अलग रेट में, अभी 5% बिलो में गया है, बाद में मुझे नहीं लगा, जो 13 तारीख को शाम को 4 बजे मुझे लगा, जो नहीं कुछ न्यूज मिला मुझे कि नहीं मुझे अभी ये टेंडर 8% बिलो में जाना है, तो मैं टेंडर को 8% बिलो में भी बाद में फ्रीज करने के बाद, टेंडर पूरा भरने के बाद कभी भी बदल सकता हूँ। ठीक है, ये अपने को कब मिलेगा, 5 बजे तक, हम 13 नवंबर 5 बजे तक कभी भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आती है स्टडी। तो हमको क्या क्या करना है, पहले टेंडर नोटिस को डाउनलोड करना है। टेंडर नोटिस के लिए कैप्चा आ रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे सबमिट, तो सबसे पहले टेंडर नोटिस डाउनलोड करेंगे। यदि यहाँ पे टेंडर के कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको भी डाउनलोड करेंगे। इसको करते हैं शो इन फोल्डर। ठीक है, ये हमारा टेंडर नोटिस है, इसको कट कर दिया। ये टेंडर है गढ़चिरौली का जिला परिषद। हमने यहाँ पे एक फोल्डर हमेशा मैं बना के रखता हूँ, 1 2 3 4 बोल के मेरा एक फोल्डर है। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, RDD RDD गढ़चिरौली, और यहाँ पे मैं टेंडर नोटिस डाल देता हूँ। शायद मेरा पेस्ट बराबर नहीं हुआ, इसको मैं टेंडर नोटिस को पहले यहाँ पे सेव करके रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ये ढूंढना ना पड़े। पहले ये टेंडर नोटिस डाल दिया, अभी इसको क्यू को भी सेव कर लेता हूँ। ये मेरा BOQ किसमें डाउनलोड होगा, जीप फाइल। यदि आपके पास विंडार का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। सो इन फोल्डर जैसे करेंगे ऑटोमेटिकली वो फोल्डर मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, यही वाला फाइल है। इसको यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये मेरा टेंडर का नोटिस हो गया, ये मेरा वर्क का फाइल हो गया, जीप फाइल, टेंडर नोटिस, ये मेरा फाइल, ये मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड कर लिए। और एक चीज लगेगा अपने को, कभी भी टेंडर ढूंढना है तो ये टेंडर आईडी नोट डाउन करके रखने का, ताकि मुझे टेंडर इजीली मिल जाए। ये टेंडर नोटिस, टेंडर का आईडी है, ये भी मैं डाल दूंगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में टेंडर आईडी को पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। टेंडर आईडी से मुझे टेंडर आईडी कभी भी टेंडर मिल जाएगा। अभी इसके बाद हम टेंडर को स्टडी करेंगे। टेंडर स्टडी कैसे करेंगे कि टेंडर में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी देखने का है। टेंडर में ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। अभी तो ये सिंगल पेज का है, इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर बहुत सारे टेंडर बड़े बड़े भी रहते हैं, ज्यादा पेज के होते हैं, तभी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। या
पे रोटेड, रोटेड का नहीं ऑप्शन, यहाँ पे रोटेड है, ये रोटेड कर दिया, यहाँ पे टेंडर में बता दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। तो टेंडर में यहाँ पे दिया हुआ है, ये मराठी में आपका लिखा हुआ है, या मराठी जो भी आप जहाँ का भी टेंडर भरेंगे अपने स्टेट का, उस स्टेट का लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में टेंडर रहता है। यदि आप डिपार्टमेंट वाइज भरेंगे पीडब्ल्यूडी का, तो रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा है, यहाँ पे एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरे निविदा प्रमाण पत्र खरीदी, सादर कामाचे कल पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिला परिषद किसका लगेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, किसका डॉक्यूमेंट्स में, जिला परिषद जेडपी का या ग्राम विकास विभाग ना निविदा केले, जो ग्राम विकास का या फिर जिला परिषद जेडपी का, दोनों में से किसी एक का ही लाइसेंस यहाँ पे चलेगा टेंडर भरना है तो। मतलब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन या दूसरा किसी का लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे जेडपी का ही लाइसेंस चलेगा। जब भी जेडपी का लाइसेंस बोल दिया तो जेडपी में यहाँ पे गढ़चिरौली का ही लाइसेंस चाहिए, दूसरे जगह का टेंडर, दूसरे जगह के लोग ये टेंडर को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद बिक्रीकरण व्यवसाय कर प्रमाण पत्र, मतलब सेल टैक्स, सेल टैक्स बराबर, एंड व्यवसाय आईटीआर कर का आपको ये डिटेल्स लगेगा, इसका प्रूफ देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, आयकर पैन कार्ड, पैन कार्ड लगेगा उसका, और ग्राम पंचायत तलोथी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बोला गया है, और 500 के स्टाम्प पेपर पे आपको एक नोंदनी भी भरून, कदाचारी 500 रुपए नोंदनी फी भरून, नोंदनी तिकडून नोंदनी 500 रुपयाचा रिसिप्ट घ्यायची आहे तलोथीला जाऊन। अच्छा, वहां पे जाके आपको 500 का रिसिप्ट, 500 रुपए का रिसिप्ट आपको वहां पे जाके भर के उसका रिसिप्ट आपको अपलोड करना है। ये सभी चीजें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में टेंडर भरना है, तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा, लिखने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, कहीं पर यहाँ रहेगा, कहीं दूसरा जगह पे रहेगा, ये मे बी पॉसिबिलिटीज है कि डॉक्यूमेंट्स के जो लिस्ट होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, उसके लिए मैंने आपको कीवर्ड्स भी बोला है। यदि बड़ा टेंडर रहा तो आप कीवर्ड्स के थ्रू से भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि टेक्निकल इनवेलप डॉक्यूमेंट्स, इससे आपको इजीली डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिलेगा और वहां से आप सर्च करके फाइंड आउट करके अपने डॉक्यूमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तो अपने को यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट्स, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट टेक्स्ट में लिख के रखता हूँ और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ, या यही टेक्स्ट में लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो मुझे बोलिए डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का या जिला परिषद का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बराबर, ये अपने को पता चल गया यहाँ पे जेडपी का या जिला परिषद ग्राम पंचायत का। दूसरा सेकंड और क्या लगने वाला था, सेल टैक्स और आईटी का प्रमाण पत्र, सेल्स टैक्स एंड आईटी, आईटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मतलब आईटी की जगह पे आईटीआर रिटर्न बोल दो, सबसे इजी हो जाएगा आप लोगों को समझ। सेल टैक्स जनरली बंद हो चुका है, नहीं है अभी, ये सब जीएसटी हो गया, तो इसके बदले आप लोग क्या डालोगे, जीएसटी, ठीक है, ये समझ लेना पड़ेगा आपने। थर्ड नंबर और क्या बोला है, 500 का रिसिप्ट चाहिए तालुका में भर के, ठीक है, ये सभी, ये तीन चीजें लगेगा, ये तीन चीज अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्स हमने पता कर लिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, किस फॉर्मेट में लगेगा, अभी ये पता करना है। तो ये टेंडर भरना है, फॉर्मेट कौन सा लगेगा, सब डॉक्यूमेंट्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल क्या बनाना है, रार फाइल में आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे कैसे भी आप अपलोड कर सकते हो,
या तो आप पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ को रार में कन्वर्ट करो, जैसे कि मैं अभी आपको लोगों को करके दिखाता हूँ, और ये टेंडर फीस और ईएमडी का जो ऑनलाइन भरोगे उसका रिसिप्ट भी आपको लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। मेरे पास एक सैंपल कॉपी है, मैं सैंपल कॉपी से डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आता हूँ, देखिए कैसे डॉक्यूमेंट्स को। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेरा पहले रख लिया, जैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला था वो डॉक्यूमेंट्स मैंने रख लिया। पर इसको किस फॉर्मेट में चाहिए? रार में। रार में बनाने का दो तरीका है, एक तो देखो कैसे बना सकते हैं हम इसको ही, एक तो इसको फोल्डर बनाएंगे, टेक्निकल वन बोल देता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर सब डॉक्यूमेंट्स को डाल देंगे, कोई भी फॉर्मेट में होने दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ डाल दिया, ये डॉक्यूमेंट्स को यहाँ डाल दिए, और ये वाला डॉक्यूमेंट्स है मेरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स को मैंने फोल्डर के अंदर डाल दिया, और ये फोल्डर पर सीधा राइट क्लिक करो और ऐड टू रार। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू रार। तो ये देखिए रार में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए विनरार का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तो आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ऐसे ऑप्शन दिखेगा, इस पर ऐड टू रार करेंगे, देखो रार में ये डॉक्यूमेंट्स मेरा बन गया, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया। दूसरा तरीका है, यदि आप इसको अच्छे से प्रॉपर करेंगे सबको एक पीडीएफ बना लो, यदि इनकेस टेंडर में पीडीएफ में मांगा जाएगा तो क्या करो? तो मैंने आपको कल बोला था ये सॉफ्टवेयर के हम मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाइल को हम लोग खोल लेंगे, जैसे कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसको कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कल ऑनलाइन का भी प्रोसेस बताया था, ऑनलाइन में आप जाओ और पीडीएफ कंबाइनर में जाएंगे और सब फाइल को एक साथ कंबाइन कर देंगे। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके बताता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहा तो भी आप इजीली यहाँ पे एक साथ डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं, और भी आप पीडीएफ टू वर्ड एक्सेल में सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब टेंडर भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है सभी डॉक्यूमेंट्स आपका एक जगह पे हो जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाओ, पेज में, और यहाँ इंसर्ट, आ जाएंगे आरडीडी हो गया। यहाँ पे देखो खाली टेक्निकल में सिर्फ पीडीएफ का ही फाइल दिख रहा है, पर मेरा जेपीजी में, तो हम यहाँ पे सभी फाइल को ऐड कर, ये वाला फाइल मेरा ऑलरेडी एडेड है, ये तीनों फाइल को उठाएंगे इसको, एक साथ ये तीनों फाइल मेरा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको कहाँ पे करना है ओके करो, तो ऑटोमेटिकली देखो वन की जगह आ जाएगा, चार पेज हो गया। यदि सभी फाइल को देखना है तो जैसे मैंने बोला था व्यू डॉक्यूमेंट असेंबली, यहाँ से सब फाइल मुझे इस तरीके से दिखना चालू हो जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इजीली देख पा रहा हूँ जो मेरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज में जाएंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यदि मेरे पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हुआ तो हम यहाँ पे एक साथ देख भी सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट। तो इंसर्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को टेंडर भरने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स हम लोग मैनेज करते हैं वो बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया, जो चाहे तो आप देख सकते हैं जो पीडीएफ प्रोफेशनल किस तरीके से काम करता है। फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे, और ये वाला फाइल को नाम दे देंगे टेक्निकल वन बोल के, सेव कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है देखो मेरा एक टेक्निकल वन बोल के आ गया, ये सिंगल पीडीएफ। यदि मुझे पीडीएफ में बोला होता तो मैं डायरेक्ट ये फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर देते थे। अभी यदि चाहेंगे जो मुझे इसको रार में कन्वर्ट करना है ये एक पीडीएफ फाइल को, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ रार में। ये मेरा ये चारों फाइल का मर्ज है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू रार। तो देखो ये वाला फाइल मेरा रार में हो गया, क्योंकि टेंडर का रिक्वायरमेंट किसमें है? रार में, पीडीएफ में नहीं है। बीओक्यू एक्सेल में है, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। कहाँ पे डाउनलोड करके रखा है? इसके अंदर ये वाला फाइल वर्क वाला। तो मुझे अभी बीओक्यू भरना पड़ेगा टेंडर भरने से पहले। टेंडर भरने से पहले मैं सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखता हूँ, ताकि टेंडर भरते वक्त मैं डायरेक्ट भर के दे दूंगा। तो मैं बीओक्यू कैसे रेडी करूंगा, क्या रेट से भरना है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्ट कभी भी बीओक्यू भरता है भरने के लिए आप डायरेक्ट रार फाइल को मत ओपन करो, क्या करो इसको एक्सट्रैक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट हेयर, कैसे भी कर सकते, एक्सट्रैक्ट हेयर।
एक्सट्रेट हेयर करेंगे, ये बीओक्यू मेरा यहाँ पे मिल गया। अभी इस बीओक्यू को ओपन करना है, एक्सट्रेट करके ही ओपन करना है, डायरेक्ट ओपन नहीं करना है बीओक्यू। यहाँ पे आपके पास एनेबल मैक्रो आ सकता है, उसको जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एनेबल मैक्रो करेंगे, आपको ये बीओक्यू खुल जाएगा। ये क्या है, परसेंटेज रेट बीओक्यू। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिल्डर, जो आपका नाम है, मेरा नाम आदित्य पंडित से रजिस्ट्रेशन है, या आपने कंपनी से रजिस्ट्रेशन किया तो कंपनी का नाम से डालने का, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, ये मैं डाल देता हूँ। और ये क्या है, ये टेंडर है 50 लाख रुपीस का। आपको ये टेंडर कितने में भरना है, कितने भरना है, ऊपर भरना है या नीचे। यदि ऊपर भरना है तो यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ राइट क्लिक की बिलो या अबव, दो सिंबल। मुझे बिलो में जाना है, मुझे बिलो में जाना है, कितना परसेंट, तो 6.75% बिलो में जाना है, तो 6.75 डायरेक्ट डाल देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ गया। तो यहाँ से ये वो माइनस हो गया 6.75, ऑटोमेटिकली अमाउंट दिख गया। मैं इसको चाहो तो एक बार वैलिडेट करके चेक कर लूंगा, यदि कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ दैट मीन्स आपका बीओक्यू प्रॉपर है, उसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अभी आपको इस बीओक्यू को सेव एज नहीं करना है, बहुत लोग ऐसे सेव एज कर देते, सेव एज करेंगे तो बीओक्यू अपलोड कभी नहीं होगा, आपको सिर्फ सेव करना है। क्या करना है, सेव कंटिन्यू, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेव और सिर्फ सेव कर दिया। तो मेरा यहाँ पे टेंडर का टेक्निकल और फाइनेंस दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, बराबर है। टेक्निकल भी हो गया एक्सेल का, ये बीओक्यू एक्सेल का हो गया, और टेक्निकल का ये डॉक्यूमेंट्स भी मेरा RAR के फॉर्मेट में रेडी हो गया, ताकि मुझे आगे टेंडर भरने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ टेंडर फीस और EMD हम लोग ऑनलाइन इसको बाद में ऑनलाइन भरेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करने का अच्छा तरीका है, ताकि मैं टेंडर के कोई भी टेंडर के टर्म्स पढ़ना है और उसका डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। तो ये टेंडर हम लोगों ने देखा था, अभी ये टेंडर भर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेंडर आईडी डालता हूँ, इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। ये टेंडर को मुझे भरना है, यहाँ पे आ गया, इसको टिक करने का, ग्रीन यहाँ पे टिक कर देने का, इसको क्या करने का, सेट ओपन टेंडर एज ए फेवरेट में डाल, पहले सर्च करेंगे और इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर देंगे टेंडर, यहाँ से निकल के माय टेंडर में पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अभी यदि ये टेंडर में फिर से सर्च करूं तो मुझे अभी वो टेंडर नहीं मिलेगा मेरे आईडी, देखो ये टेंडर नहीं मिल रहा। अभी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टेंडर मेरा माय टेंडर में ऐड किया हुआ, ये टेंडर मुझे माय टेंडर में मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये टेंडर आपको मिल रहा है, ये टेंडर है, इसको व्यू करो, टेंडर भरना है तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास, जो पहले हम लोगों ने देख लिया है। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। यदि आपने पहले डाउनलोड नहीं किया था टेंडर नोटिस बीओक्यू, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, पर हम लोगों ने करके रख लिया है। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इसको एग्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये आपके जो कंपनी का आपने प्रोफाइल पहले बनाया था, वो प्रोफाइल पूरा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल चाहो तो आप बदल सकते हो, नहीं मुझे लग रहा है ये सही है, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे GST नंबर हमने अपडेट किया, इसलिए GST नंबर का डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा ये GST नंबर है, मैं इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट। जैसे कर दिया तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पे ऑनलाइन का आ गया। सबसे पहला ये टेंडर भरना है, तो आपको ये टेंडर का फीस आपको भरना पड़ेगा पे ऑनलाइन करके, ये नेट ओनली फॉर, यहाँ पे आप जब भी पेमेंट करोगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेट बैंकिंग ही ऑप्शन, याद रखो सिर्फ नेट बैंकिंग से ही भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर UPI वगैरह यहाँ पे नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग। तो यदि आप टेंडर भरने वाले हो आगे, तो अपना नेट बैंकिंग यदि एक्टिवेट नहीं है तो नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा लीजिए, कोई सा भी बैंक का, बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप लोग उसका, उससे आप नेट बैंकिंग यूज करके टेंडर को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है नेट बैंकिंग का। तो ये पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये मैं डम्मी के लिए भर रहा हूँ, बाद में और एक टेंडर भर के दिखाऊंगा जहाँ पे पेमेंट ऑप्शन के साथ दिखाऊंगा, पेमेंट करके भी दिखाऊंगा, तो ये ऑप्शन मैं फिलहाल छोड़ता हूँ।
जब तक ये ऑप्शन यहाँ पे रहेगा तब तक टेंडर मेरा फ्रीज नहीं होगा, ये टेंडर का ऑप्शन जाना चाहिए तो ही टेंडर फ्रीज होगा। जब तक पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा हम टेंडर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते पर टेंडर को फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन अभी छोड़ दो, एज ए प्रैक्टिस पर्पज के लिए सोचो, जो आप जब टेंडर प्रैक्टिस करोगे विदाउट पेमेंट करके तो कैसे करोगे। मैं पहले ये प्रैक्टिस का बताता हूँ, बाद में आपको एक्चुअल भी बताऊंगा पेमेंट करके भी। तो मैं ये ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ देता हूँ। सोच लो आपने पेमेंट कर दिया है और मैं जाता हूँ इनक्रिप्ट एंड अपलोड पे, सेकेंड नंबर ऑप्शन। यहाँ पे दो इनवेलप आ गया, क्यों आ गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था वो टेंडर, बराबर है ना, याद है वो टेंडर आप लोगों को? यहाँ पे दो इनवेलप था, एक टेक्निकल का और एक फाइनेंस का, इसलिए अपने को यहाँ पे दो इनवेलप दिख गया। क्लियर है? अब इसके अंदर कितना आइटम, लाइन आइटम दिखेगा? इसके अंदर सिंगल लाइन आइटम दिखेगा जो रार के फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग बना के रखा है। तो टेक्निकल पे जाएंगे और मैं इसको लॉग इन करता हूं। यहाँ पे जावा रन होता है, कभी कभी आपको जावा का परमिशन भी मांग सकता है, तो यस कर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखो रार के फॉर्मेट में, और जैसा वहां लिखा हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, डॉक्यूमेंट सर्च पर एंड। अब ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यदि देखना है तो आप इसको बड़ा छोटा भी ऐसे कर्सर से कर सकते हो। यहाँ पे रार के, यहाँ पे सिर्फ रार का फॉर्मेट से ही चलेगा, पीडीएफ नहीं चलेगा, जेपीजी नहीं चलेगा, एक्सेल नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ रार का फॉर्मेट ही अपलोड होगा। तो मुझे, मैंने इसलिए रार के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट पहले बना के रखा है। इसको ब्राउज करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे, कहां पे रखा है? डेस्कटॉप 1 2 3 4 आरडीडी बोल के रखा था, इसमें टेक्निकल बोल के फाइल बनाया था, या फिर ये वाला फाइल रार का, बराबर, या फिर आप यहां से, हम लोगों ने दूसरा भी और एक डॉक्यूमेंट्स बनाया था रार का, ये वाला भी अपलोड कर। तो जैसा आप लोग को लगे, जिस तरीके से, क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से आपको रार का फाइल बनाना है यहाँ पे दिखाया, तो मैं ये वाला अपलोड कर सकता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट्स को टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए, डॉक्यूमेंट्स ही आपका अपलोड हो जाएगा। सर नीचे रीडिंग आ रहा है सर। यस, थोड़ा टाइम लगता है, पहला डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा रिलैक्स हो जाओ। कभी कभी ये टाइम 1 मिनट 2 मिनट का भी हो सकता है। यहाँ पे कोई आपको क्लिक करना नहीं है, ज्यादा क्लिक करोगे Not responding आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये ग्रीन टिक का वेट करना है, 2 से 3 मिनट भी लग सकता है, तो आपको ये वेट करना है। जैसे ये ग्रीन टिक हो, पहला डॉक्यूमेंट, यहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता तो तुरंत आता, तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का साइड है, बहुत फास्ट भी नहीं चलता। यहाँ पे जैसे आ जाएगा ग्रीन टिक, आपको यहाँ पे साइन एंड अपलोड पे क्लिक कर दे। यहाँ पे डीएससी का पिन मांगा जाएगा आपसे, डीएससी का पिन, हो गया सबमिट, हो गया। दूसरा हमारा फाइनेंस, फाइनेंस के लिए भी हम लोगों ने बीओक्यू बना के रखा है, ताकि टेंडर भरते वक्त अपने को टाइम ना लगे, इसलिए हमने बना के रखा। मुश्किल से एक टेंडर भरने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगता, इसको भी सेम तरीके से अपलोड करेंगे। ब्राउज, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि दूसरा बीओक्यू, दूसरे टेंडर का कोई भी बीओक्यू अपलोड नहीं होगा। अभी देखो, दिखा के दिखाता हूँ आपको, मैं अपना टेंडर छोड़ के दूसरे टेंडर का बीओक्यू ले लेता हूँ, और जब तक वो फिल नहीं होगा तब तक भी टेंडर अपलोड नहीं होगा। पूरा पूरा फिल होना चाहिए, वो बीओक्यू भरा हुआ होना चाहिए, खाली बीओक्यू भी अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, बीओक्यू फाइल डज नॉट मैच विद रिक्वायर्ड 107654, मतलब इस टेंडर का जो बीओक्यू का है वो ये नाम है, आप दूसरा बीओक्यू अपलोड कर रहे हो दूसरे नाम का, तो अपलोड नहीं होगा, तो यही टेंडर का बीओक्यू चाहिए।
मतलब यहाँ पे ह्यूमन एरर को ध्यान में रख के किया गया ताकि आप गलती बीओक्यू में गलती मत करो, गलती करने के चांसेस कम हो जाए। हमने यहाँ पे आरडीडी नेचुरली और यहाँ पे ये बीओक्यू मेरा भरा हुआ है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद भरना है बीओक्यू जो मैं पहले बताया हूँ, सही बीओक्यू अपलोड होगा। यहाँ पे जावा का परमिशन फिर से मांगा, रन करो, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट साइन एंड अपलोड, यहाँ पे अभी तुरंत हो जाएगा अपलोड क्योंकि ऑलरेडी पहला डॉक्यूमेंट से टाइम लेता है। देखो फाइल साइनिंग हो रहा है, साइनिंग होके डिजिटली साइन करेगा और फिर अपलोड कर देगा फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुल। तो मेरा टेक्निकल भी अपलोड हो गया, फाइनेंस भी अपलोड हो चुका, टेक्निकल पे भी टिक आ गया, फाइनेंस पे भी आ गया। यदि आपको देखना है मैंने फाइल का नाम क्या है, डाला है, साइज क्या है, यहाँ से आप देख भी सकते व्यू अपलोड फाइल डिटेल। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल का फाइल का क्या नाम है, कितना साइज का था, फाइनेंस का कौन सा बीओक्यू डाला और उसका नाम क्या था और उसका साइज क्या था, यहाँ से आप इतना देख सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मेरा गलत हो चुका है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अभी फाइनेंस का अपलोड डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से हो गया है, मुझे अभी बीओक्यू का रेट बदल के अपलोड करना है, तो मैं फिर से जाके बीओक्यू का रेट बदलता हूँ। बीओक्यू का रेट बदलने के बाद मैं यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अभी भी बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ, मुझे टेंडर का बीओक्यू का भी रेट बदलना है, इंक्लूडिंग मैंने जैसे बताया था टेंडर भरने के बाद भी बदल सकते हो, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पर अभी यहाँ पे यदि आपको एक बार अपलोड करने के बाद बदलना है तब भी आप बदल सकते हो। ये वाला बीओक्यू बराबर, इसको हम लोगों ने बीओक्यू टेंडर टेक्निकल का भी डॉक्यूमेंट बदल सकते हो, फाइनेंस का भी, सभी का बदल सकते हो। मैं आपको फाइनेंस का बदल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला था मुझे अभी 0-0 भरना है, मतलब इसके एस्टिमेट कॉस्ट में कोट करना है, मैं यहाँ 0 कर दिया, बिलो या प्लस या माइनस कुछ भी डालो, इसको सेव, कंटिन्यू, बीओक्यू बदल दिया इसका। अभी ये बीओक्यू मुझे यहाँ पर भी बदलना है, मुझे अभी नया बीओक्यू अपलोड करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और ये बीओक्यू को रिप्लेस हो जाएगा और नया बीओक्यू अपलोड हो जाएगा। ऐसे भी टेक्निकल का जो आपने टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी कुछ बदलाव आया तो भी आप बदल सकते हो। डेस्कटॉप 1, 2, 3, 4 बराबर, फिर से मैं बीओक्यू को अपलोड कर, तो अभी जो नया मेरा बीओक्यू का रेट था वही वाला फाइल मेरा अपलोड होगा। देखो टाइम ले रहा है, वेट करना है, कोई चेंजेस छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करना है, चुपचाप रहना है, अपने आप वो थोड़ा टाइम लेगा और अपलोड हो जाएगा। पेमेंट में जो जो प्रॉब्लम आता है उसके हम लोग जब पेमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पेमेंट में क्या क्या एरर आता है, जैसे कि बीओक्यू में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो मैंने अभी बताया। रन करो, देखो रन किया, ये हो गया साइन एंड अपलोड, डिजिटली साइन होगा और फिर अपलोड हो जाएगा। पिन भैया सबमिट बैट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका, ठीक है, ये टेक्निकल और फाइनेंस दोनों अपलोड हो गए। अभी आपको क्या करना है, इसको सबमिट, नेक्स्ट, यदि कोई चेंजेस लग रहा है नहीं करना है नेक्स्ट कर दो। ये किसके नाम से हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटेल्स आ गया, या सबमिट या फ्रीज बिट, इसको जैसे बीड को फ्रीज करेंगे मेरा बीड फ्रीज हो जाएगा, पर एक्चुअली मेरा बीड फ्रीज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके पैसे नहीं भरा है, मेरे पास पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, पैसे भरने के बाद भी यदि पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखा तो भी आपका बीड फ्रीज नहीं होगा, वो पे ऑनलाइन का ऑप्शन जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है पेमेंट किया तब भी पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं जाता, उसके लिए सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबमिट या फ्रीज बीड पे क्लिक कर, ये फ्रीज नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ,
टेंडर फीस बोल रहा है नहीं अवेलेबल, इसलिए नहीं तो ये बिड मेरा फ्रीज हो जाता और मेरा ये टेंडर माय एक्टिव बिड में चला जाता। ये टेंडर अभी माय टेंडर में नहीं दिखता, मेरा टेंडर कहाँ दिखता, माय एक्टिव बिड्स। ये आपका टेंडर भरने का पूरा प्रोसीजर है। पेमेंट करना हो तो सर कहाँ पे मिलेगा?